एक बुक मैंने रेकमेंड किया था, लैटरल थिंकिंग, जिसके पास भी टाइम है उसको डेफिनेटली उसे रीड करना चाहिए। मतलब उसमें एक्सप्लेन किया है कि जनरली हम लोग एक पैटर्न में थिंक करते हैं, ओके, एक ही पैटर्न में थिंक करते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों के सोल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स। आपने देखा रहेगा, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता था कि ऐसा एक क्या बोलते हैं, सोप कंपनी थी जो सोप बनाती थी, साबुन, ओके। तो प्रॉब्लम क्या होता था, सोप के बहुत सारे एम्प्टी पैकेट्स भी जाते थे, ओके। तो इसके ऊपर सब लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे प्लांट में से सोप के एम्प्टी पैकेट्स भी जा रहे हैं उसमें, जो गलत है, नहीं जाना चाहिए। तो बहुत लोगों ने बहुत इनोवेटिव उस आइडिया के साथ आए, लाइक हम लोगों को उसको ऐसा लेजर बेस्ड मशीनरी लाना चाहिए, जो हर लेजर बेस्ड मशीनरी क्या करेगा, वो हर बेल्ट पे से जाने वाले सोप को स्कैन करेगा और मेक श्योर करेगा कि वो बॉक्स के अंदर कोई भी सोप नहीं है। और वो मशीन का कॉस्ट कुछ लाख लाखों में था, ओके। लेकिन एक बंदा था, वो लैटरल थिंकिंग में बहुत एक्सपर्ट था। वो कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता कि हम लोग लैटरल थिंकिंग कर रहे हैं। तो उसने बोला कि इतना कॉम्प्लेक्स मशीनरी क्यों चाहिए, हम लोग एक काम करेंगे, जैसे ही वो बेल्ट में से मूव होता है, वहां पे एक बड़ा सा फैन लगा देंगे, ओके। जैसे वो फैन का ब्लो आएगा, तो कोई भी बॉक्स अगर एम्प्टी होगा तो क्या हो जाएगा, हवा से उड़ जाएगा, उड़ेगा। ओके। सो ये सोचने का एक तरीका हो गया कि इस तरह से हम लोग, तो अभी उसने ऐसा सोल्यूशन दे दिया जिसमें हम लोग ने मशीनरी के ऊपर बहुत सारे पैसे जहां पे खर्च होते थे, उसे हम लोग ने सिंपल से सोल्यूशन से फिक्स कर दिया। उसे उसे इंडिया में हम लोग जुगाड़ भी बोलते हैं, जुगाड़ जुगाड़ टेक्निक। सो ये एक्चुअली लैटरल लैटरल थिंकिंग है, एक चीज को हम लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। सो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, सब लोग, ये क्यों होता है जनरली, हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें सब लोगों को एक साथ लेके आते हैं हम लोग, ओके, और उनको एक जैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मैं बोलूंगा ए फॉर, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एप्पल हाँ, एप्पल लेकिन ए से एप्पल ही होता है क्या? एंट तो ऐसे हम लोगों को बल्क में एक साथ ट्रेन किया गया है, तो इसलिए हमारा रिस्पॉन्स इमीडिएटली वही हो जाता है। लैटरल थिंकिंग इज थिंकिंग इन डिफरेंट वे, कुछ तो अलग से सोचो और उसके बारे में अलग से कुछ तो आइडियाज लेके आओ, राइट? सो दैट विल हेल्प यू डेवलप दैट काइंड ऑफ, बट वो बुक पढ़ के आपको सिर्फ समझ में आएगा कि ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है, लेकिन आप जैसे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये इवन माइंड मैप्स विल हेल्प यू एक्चुअली टू लुक एट एनीथिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। तो कैसे हम लोग करते हैं, बाद में हम लोगों ने सिक्स थिंकिंग हैट के बारे में भी पढ़ा था। वो सिक्स थिंकिंग हैट में हम लोगों कोई भी टॉपिक के ऊपर कैसे डिफरेंट वेज में हम लोग वो मेटाफोर यूज करेंगे कि हम लोगों ने ग्रीन हैट पहना है, येलो हैट पहना है, और हम लोग वो सेम चीज के बारे में सोचेंगे और फिर उसके जो रिजल्ट आएंगे उसको कंबाइन करके फिर डिसीजन लेंगे। तो ये लैटरल थिंकिंग होता है, तो इसमें हम लोग अलग रिजल्ट लेके आते हैं क्योंकि हम लोग अलग सोल्यूशन के साथ काम करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ना, अच्छा बुक है, बहुत फेमस बुक है एक्चुअली, एडवर्ड डी बोनो ऐसा कुछ तो उसका ऑथर है, राइट? एडवर्ड डी बोनो। या सो इट्स रियली नाइस बुक।